हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। तो आज के इस वीडियो में जैसा भी तुम लोग ने देखा अभी प्रीव्यू में, सेम वही मैं आप लोगों को प्रीमियर प्रो में करके दिखाऊंगा। और इसमें मैं आपको रिवर्स टाइम रिमैपिंग भी दिखाऊंगा, जैसा मैं कुछ वीडियोस में करता हूँ अपने यार शेक में कि फटाक से वीडियो रिवर्स टाइम रिमैप हो रहा, वो सब मैं बताऊंगा आपको। एक तो यार शेक बताऊंगा मेरा, और आप लोगों को मैं एक बताऊंगा मेरा रिवर्स टाइम रिमैपिंग और स्नाइपर शेक। तो वीडियो को पूरा देखना, ज़रा भी स्किप मत करना गाइस, तो एंड तक देखना, फिर आपको कुछ डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको प्रीमियर प्रो खोल लेना, अभी मैं सब प्रोजेक्ट क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। आपको बताने के लिए मैं एक न्यू प्रोजेक्ट चालू करूँगा और आपको मेरी सीक्वेंस सेटिंग भी बता दूंगा। यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट में जाना है, यहाँ पर कुछ भी आपको छेड़ना नहीं है, जैसा है वैसा रहने देना है। तो ओके कर देना है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ये विंडो हट जाए तो आपको एक न्यू सीक्वेंस बनाना है। तो ये जैसे हो जाए तो मैं बताता हूँ, ओके, यहाँ पर जाना है न्यू और सीक्वेंस, ये ऐसा कर देना है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, पहले तो यहाँ पर मैं एरी 1080p 30 ऐसा बस ये सिलेक्ट कर देना है आपको। फिर यहाँ पर जाना है सेटिंग में, ठीक है, यहाँ पर कस्टम में जाना है, कस्टम कर देना, यहाँ से फ्रेम रेट 60, ठीक है। ये तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको कुछ भी नहीं पता, तो ये मेरा सीक्वेंस सेटिंग होता है 1080p, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता इसमें इतने सारे प्रीसेट वगैरह दिए होते, तो वो लोग को नहीं पता होता कि क्या कौन सा लेना है, तो वो लोग कुछ भी ले लेते। तो यहाँ पर आपको देखना है कि स्क्वायर पिक्सल ही होना चाहिए, वरना आपका जो वीडियो साइज़ है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो बाकी सब ये देख लो, यहाँ पर कुछ भी नहीं उंगली करना है, ठीक है, ओके कर देना है। तो ये आपका एक न्यू सीक्वेंस बन जाएगा। जैसे सीक्वेंस बन जाए फिर आपको इसमें अपना सॉन्ग इंपोर्ट कर देना है। तो मैं ले लेता हूँ सॉन्ग, एक मिनट, ये वाला मैंने सॉन्ग ले लिया। फिर आपको जितना भी चाहिए सॉन्ग उतना यहाँ से आपको कट कर लेना है। पहले तो मैं सुन लेता हूँ फिर इसको कट कर देता हूँ। तो अभी मैंने सॉन्ग अपना सुन लिया, मेरे को जितना चाहिए था मैंने उतना सॉन्ग यहाँ से अपना कट कर लिया। उसके बाद में आपको जो भी अपना बीट्स आपका गन साउंड है जो भी आपको, वो यहाँ पर आपको ले लेना है। तो मेरा गन साउंड यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर दो गन साउंड, तीन गन साउंड यूज़ करने वाला हूँ। एक ओम का यूज़ करूँगा, एक AKM और एक M4, तीन गन साउंड यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर AKM ले लेता हूँ अपना। तो आपको सुन के फिर आपको उस हिसाब से यहाँ पर जो भी अपना गन साउंड है वो लगाना है, ठीक है। तो मैं पहले सुन के पूरा गन साउंड सेट कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। तो ये देखो मेरा, अभी मैंने AKM का सिंक कर दिया है। तो AKM का आप लोग सुनो पहले कैसा लग रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर अभी M4 लगाने वाला हूँ, तो वो भी लगा के दिखा देता हूँ। अभी मैंने M4 भी सेट कर लिया, तो एक और बार सुनो। तो भी लास्ट में एक और मैं जो है AKM का साउंड ऐड करने वाला हूँ, तो वो भी लगा देता हूँ फिर सुनाता हूँ। तो ये मैंने AKM भी लगा दिया, अभी लास्ट में एक ओम लगा देता हूँ, फिर आप लोगों को एक बार सुना देता हूँ कैसा लग रहा है। Don't go, don't go, don't go, don't go, don't go.
अपना बीट तो रेडी हो गया, तो एक बार अभी सुन लो, उसके बाद में अपन वीडियो एडिटिंग चालू करते। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि ऑडियो कैसे बनाना है आप लोगों को, तो अभी फटाफट ये क्लिप ले लेता हूँ, एक AKM की ले लेता हूँ, फिर एक M4 की ले लेता हूँ, और अपना ओम भी है इसमें, तो एक ओम के लिए ले लेता हूँ। अपने पास क्लिप्स रेडी है, बस अभी अपने को सिंक करना है। तो वो देखो, ये मेन पार्ट है कि आपको कैसे सिंक करना है, वो मैं बता दूंगा, और आपको अपना रिवर्स टाइम रिमैपिंग भी मैं आप लोगों को बता दूंगा इसी वीडियो में कैसे करना है, फर्स्ट AKM वाले पार्ट पे। तो सबसे पहले तो आपको जाना है, यहाँ पर आ जाना है, आपको अपनी जो भी क्लिप है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको शो क्लिप्स की फ्रेम्स आ जाएगा, यहाँ पर जाना है। इसके बाद टाइम रिमैपिंग पे जाना है और यहाँ पर स्पीड पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे बीच में एक लाइन आ गई है, ठीक है, ये बीच में एक लाइन आ गई है। तो आपको यही आपका जो स्पीड, इसको आप ऊपर खींचोगे तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगा क्लिप का, और नीचे करोगे इसको दबा कर क्लिक करके तो स्पीड स्लो हो जाएगा। तो सबसे पहले अपना यहाँ पर है फर्स्ट बीट, यहाँ पर चालू हो रहा है अपना। ये आप वीडियो पे मत देखो, नीचे ऑडियो वाले इस पे देखो, ये वाले पे। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट बीट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अपने को पहला बीट इधर चाहिए, तो वीडियो पे जाना है। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं सब वीडियो को म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जाना है, थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर से ले लेता हूँ फर्स्ट। एक बार आपको कंट्रोल और प्लस आपको लेफ्ट क्लिक करना है, तो यहाँ पर एक आपका जो की फ्रेम लग जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट की फ्रेम यहाँ पर लग गया गन शॉट से पहले। अभी जैसे ही फायर हो रहा है ना, तो देखो अभी ये गया, हाँ यहाँ पर देखो एक बुलेट निकल रही है, आप लोग को दिख रहा होगा, देखो बुलेट निकल रही है। जैसे यहाँ पर जाना है, फिर एक बार कंट्रोल प्लस लेफ्ट की दबाना, तो दूसरा की फ्रेम आपका लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसके जो बीच वाला पार्ट है ना, इसको ऊपर खींचेंगे, ठीक है। जब तक खींचेंगे तब तक ये 6 फ्रेम में नहीं आ जाता। देखो 6 फ्रेम कैसे दिखेगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये 1 फ्रेम, 2 फ्रेम, 3 फ्रेम, 4 फ्रेम, 5, 6, तो ये 6 फ्रेम। तब देखो इतना मैंने इसको खींच लिया, यहाँ से ये 6 फ्रेम में आ गया। अभी इसके पीछे वाले पार्ट को हम लोग स्लो कर देंगे 10%, ठीक है। अब वापस ये देखो आगे चला गया, ये वाला अपना जो फायरिंग वाला पार्ट, तो इसको हम लोग यहाँ से घसीट के स्लो कर देंगे, मतलब कट कर देंगे। तो इसको हम लोग यहाँ से ऐसे खींच के कट कर देंगे, या फिर आप लोग सी दबाकर, ये आपका जो रेजर टूल आता है, यहाँ से आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, फिर वी से सेलेक्ट करके इसको जो डिलीट कर सकते हो, या फिर आप लोग मेरी तरह, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, फटाक से हो जाता है ऐसा कट, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अपना जो फर्स्ट बीट है, तो यहाँ पर हम लोग इसको एकदम मिडल में सेट कर देंगे ऐसा, ठीक है। और जो इसके पहले वाला पार्ट है, इसको हम लोग पूरा ऐसा कर देंगे, ठीक है। अभी इसके आगे जाकर हम लोग आगे वाले को 10% पे स्लो कर देंगे। ये कैसे करना है, इसको आप ऊपर नीचे करोगे ना क्लिक करके, तो ये स्लो हो जाएगा। तो देखो ये स्लो हो गया क्लिप, और हमारी क्लिप यहाँ तक आ गई पूरी, ठीक है। तो अभी जहाँ जहाँ पर बीट्स हैं ना अपनी, वहाँ वहाँ पर हम लोग फास्ट कर देंगे, उसके बाद स्लो कर देंगे। सेम वैसा ही कंसेप्ट है गाइस, जैसा मैंने आप लोगों को इसमें बताया था ना, काइन मास्टर वाले ट्यूटोरियल में, सेम वैसा ही करना है, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग होती है। तो अभी देखो यहाँ पर आ गए हम लोग, तो इसके ये जो यहाँ पर अपना बीट है, तो इसके 3 फ्रेम पीछे जाना है। 3 फ्रेम कैसे, आप लोग लेफ़्ट एरो की दबाओगे ना, तो आपको 3 फ्रेम जाएगा, या फिर आपको अगर ऐसे करते करते ना, आप लोग जल्दी सीख जाओगे, मतलब 1, 2, 3 ऐसा, आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी की लेफ़्ट की दबाने की। तो यहाँ पर जैसे मैं आया, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस फिर से ये दबा दूंगा लेफ़्ट क्लिक, तो 1 की फ्रेम और लग गया। फिर अब जैसे ही बंदे को ना गोली लग रही है, देखो जैसे ही यहाँ पर आया, उसको देखो पहला हिट हुआ, ठीक है। यहाँ पर जाके अभी हम लोग को एक शॉट चाहिए ना, एक जैसे ही बंदे को लग रहा है, यहाँ पर अभी हम लोग को देखो दूसरा बीट हम लोग को यहाँ पर सेट करना। तो यहाँ पर फिर से मैं कंट्रोल प्लस लेफ़्ट क्लिक दबा दिया, ठीक है। तो इसको फिर ऊपर खसीटा, तो ये इतने में आ गया, देखो ये ऐसा आ गया, यहाँ पर फास्ट हो गया, फिर स्लो। तो यहाँ पर अपना फिर तीसरा जो है बीट यहाँ पर है, तो सेम इसमें भी ऐसे ही करना है। यहाँ पर आना है लेफ्ट कंट्रोल प्लस लेफ्ट
करना है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाना है, फिर ऐसा करना है। सेम आपको बहुत इजी है गाइस, ये आप लोग एक बार कर लोगे ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि ये बंदा मर गया, इसके आगे की भी अपनी बीट इतनी सारी बची हुई है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है देखो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर हमारी 1 2 3 4 5 6 6 AKM की बीट बची हुई है और यहाँ पर किल हो चुका है, देख रहे हो जैसे कि। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, अब दूसरा तो क्लिप ऐड नहीं कर सकते, अपने को यहाँ पर करना पड़ेगा रिवर्स टाइम रिमैप, है ना। तो अभी हम लोग को क्या करना है, अभी मैं ये हटा के तुम लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल प्लस लेफ्ट की से आपको ये वाले को पकड़ के ऐसा खींच लेना आगे, ठीक है, होल्ड करके रख के आपको आगे खींच लेना है ऐसे। तो अभी देखो ये रिवर्स हो गया, देखो यहाँ पर ये मारा फिर ये रिवर्स गया, ये फिर से फायर किया, देख रहे हो। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि आपका आगे AKM का या फिर कोई भी गन साउंड का बीट बचा है और आपकी क्लिप्स जो है वो ख़त्म हो रही, तो आपको ऐसा ही करना है वहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैं आगे का पार्ट आप लोग को फिर से करके दिखा देता हूँ। ये हो गया अपना, इतना यहाँ पर लेकर आया, फटाफट मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ अभी। तो यहाँ पर देखो अभी क्लिप्स जो है हमारा ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो ये इतना बना है, अभी यहाँ पर जो है 3 4 बीट्स और बची है। तो मैं सेम इसको क्या करूँगा, ऐसा खींच के यहाँ पर कर दूँगा, ठीक है। तो इसको मैं वापस से भी ऐसा खींच सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिवर्स जाता हुआ दिख रहा है, देखो ये रिवर्स जाता हुआ नहीं दिखना है, तो आपको इसको पकड़ के ऐसा खींच लेना है यहाँ पर, ठीक है। फिर ये वाला जो पार्ट है इसको वापस से खींचना है इधर, ठीक है। और यहाँ पर अपना बीट है तो यहाँ पर ऐसे खींच के ऐसा सेट कर देना। तो आप लोग ये एक दो बार ट्राई कर लेना गाइस, ये तुम लोगों को आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ ऐसा हार्ड काम नहीं है, देखो ठीक है। अब ये लास्ट एक और बचा है, तो यहाँ पे वापस से मैं खींच के इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। बस आपको उसको कंट्रोल प्लस लेफ्ट की से पकड़ के खींच लेना, तो आपका रिवर्स एक बार हो जाएगा, ठीक है। तो अभी लास्ट बिट बचा है, यहाँ पर अपने को बंदा जो है मरता हुआ दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस 3 के की फ्रेम पीछे गया, कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक दबा दिया, फिर आगे गया जहाँ पर देखो यहाँ पर ये बंदा मर गया। तो अभी यहाँ पे कंट्रोल प्लस लेफ्ट की फिर से दबा दिया, फिर इसको ऊपर खींच दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 2 3 या इसके अंदर ले लिया, बस अभी यहाँ से अपना M4 का बीट चालू हो रहा है। तो यहाँ इसके बीच में आके यहाँ से मैंने इसको C प्रेस किया, फिर यहाँ से कट कर दिया, फिर आगे का पार्ट जो मैं इसको डिलीट कर दिया। आप लोग कैसा भी जैसा आपको कट करना, मैं तो ऐसे ही कर देता हूँ, देखो मैं ऐसे कट कर देता हूँ। अभी यहाँ का आगे का पार्ट मेरा बच गया आगे का ना, तो मैं वो सब नहीं करता, मैं ऐसे पकड़ के ऐसा खींच दिया। आप लोगों को जैसा भी कट करना आता है वैसा आप लोग कर सकते हो। तो अभी मैं साउंड ऑन करके ना आपको ये प्ले करके दिखा देता हूँ कैसा हुआ है। तो ये हो गया अपना AKM का, देख लिया आप लोगों ने कैसे किया मैंने। तो ये आप लोग को फर्स्ट टाइम पे नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो जब तक आप प्रैक्टिस करोगे ना, जितने बार आप करते रहोगे उतना आपका हाथ बैठेगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे करना है। तो एक दो बार हो सकता है आप फेल भी हो इसमें, ठीक है। तो आपको ऐसा हार नहीं मानना, आप करते रहना, तो एक एक टाइम आ जाएगा कि हाँ बोलोगे आप, हाँ अभी परफेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपना M4 है, तो वो कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने M4 ले लिया, ठीक है। तो सेम इसमें भी ऐसा ही करना है, ये M4 का क्लिप है अपना। यहाँ पर गया, राइट क्लिक किया, शो क्लिप्स की फ्रेम, ठीक है। और यहाँ पर टाइम रिमैपिंग पे जाके स्पीड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट बीट अपना यहाँ पर है, पहले यहाँ पर देखो यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट M4 का साउंड, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को चाहिए पहला शॉट, तो यहाँ पर गया। अभी तो ये सब साउंड ऑफ कर देता हूँ वरना आपको सुनाई देता है, ठीक है। यहाँ पर गया, अभी यहाँ पर कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक किया। अब जैसे ही ये गन उसकी खुल रही है, देखो यहाँ गन खुली, ठीक है, फर्स्ट फायर हुआ, यहाँ पर लिया और कंट्रोल प्लस लेफ्ट की कर दिया। अभी इसको ऊपर ले लिया, 6 फ्रेम में कर देना है, देखो 1 2 3 4 5 6, ये इतना कर दिया, 6 फ्रेम में आ गया। अब इसके पीछे वाले पार्ट को हम लोगों को कर देना है फिर से 10% देंगे और इसको अपने साउंड के ऊपर ला देंगे, ठीक है। अभी ये जो पीछे का पार्ट बच गया इतना 2 फ्रेम, तो हम लोग खींच के इसको ऐसा कर देंगे, ठीक है। और अभी इसके आगे का जो बचा है ये वाला,
टेन ये 100% पे ये ना, ये स्लो नहीं हुआ, इसको पकड़ के फिर से नीचे खींचेंगे 10% पे, ये हो गया स्लो। अभी आगे की जितनी भी हमारी M4 की बीट है सेम सब पे ऐसे ही करेंगे, ठीक। अभी फिर से क्या सीन हो रहा है यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर हमारी दो तीन एक दो तीन चार चार M4 की बीट बची और ये बंदा जो मर चुका है अपना, ठीक है। तो हम लोग को सेम यहाँ पर ऐसे ही करना है, इसको लेफ्ट कंट्रोल प्लस लेफ्ट की प्रेस करना है और इसको ऐसा आगे घसीट लेना है, ठीक है। देखो तो ये रिवर्स टाइम रिमैपिंग हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर भी हमको सेम यही दो को लगाना है, तो हम लोग इसको फिर से खींचेंगे ऐसे, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसको खींच लेंगे ऐसे, ठीक है। फिर वापस से इस पर क्लिक करके इसको भी ऐसे खींच लेंगे, और यहाँ पर अपना ये वाला पार्ट है देखो, फिर यहाँ से इसको खींचा, इसको बीट पे ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब फिर से इसको खींचा इधर, तो अभी देखो तो ये जब हमारा एक्सपोर्ट होगा तो ये एकदम स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। अब ये लास्ट M4 का बीट है, तो यहाँ पर हम लोग को बंदे को किल कर देना है, मतलब जहाँ बंदा मर रहा है, ये को ये बंदा मर गया, यहाँ पर फिर से क्लिक करके इसको ऊपर ले लिया, ये हो गया, ठीक है। अभी इसके बीच में आना, ये AKM का बीट यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसके बीच में आके हम कट करके इसको डिलीट कर दिया आगे का पार्ट। इसको सेव करते रहे ना गाइस, वरना ये प्रीमियर प्रो बहुत थकता है, मतलब बंद हो जाता है बीच बीच में, क्रैश हो जाता है, तो जितना भी आपने काम किया वेस्ट हो जाएगा आपका पूरा। अभी यहाँ पर जाना है हम लोगों को, AKM का बीट है, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, राइट क्लिक, शो क्लिप्स की फ्रेम्स और टाइम रिमैपिंग स्पीड, ये इतना क्लिक कर दिया। ये हो गया, अभी यहाँ पर है अपना ओम का शॉट, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में एकदम जाना है, यहाँ पर ओम है, यहाँ पर लास्ट AKM है, तो ये दोनों के बीच में इधर जाना है, इसको तो कट कर देना है, और आगे का पार्ट इसको डिलीट कर देना है, और सेव करते रहना आप लोगों को। अब यहाँ पर गया, ओम का शॉट लिया, ओम का भी सेम वैसा ही है, देख लो। यहाँ पर जाना है राइट क्लिक करके, शो क्लिप्स की फ्रेम्स टाइम रिमैपिंग स्पीड, हाँ। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर जैसे ही बंदा मर रहा है देखो, पहला की फ्रेम यहाँ पर लगा देना है, उसके बाद जैसे ही बंदा मर के ऐसा घूम रहा है देखो, ये इसकी जो गन ऊपर जा रही है, ये पड़ा उसको शॉट, और यहाँ गन ऊपर जा रही है, ठीक है। यहाँ पर एक लगा दिया, हो गया। और अभी इसको भी 6 फ्रेम में ले लेना है, ठीक है, ऊपर खींचना है ऐसे, देखो यहाँ पर है, एक दो तीन है ना, एक दो तीन, एक दो तीन, 6 फ्रेम ले लिया और इसको एकदम इसके बीच में डाल दिया, यहाँ पर ही आ गया। अभी यहाँ का पार्ट जो अपना फास्ट है ना, तो इसको भी खींच लेना अपने को नीचे एकदम 10%, तो ये वाला देखो यहाँ पर चला गया अपना शॉर्ट वाला, तो इसको खींच के ऐसा छोटा कर देना है, और वापस से यहाँ पर इसको ड्रैग करके ले आना इधर, और इसको वापस से इसके बीच में सेट कर देना है, ये हो गया बीच में सेट। अभी इतना पार्ट जो बचा है इसको ऐसे खींच के फिल कर देना है, और इसके आगे जो है ये जो पार्ट फास्ट है इसको भी खींच के ऐसा कर देना है स्लो 10% पे। अभी इतना अपना आगे यहाँ तक बीट खत्म हो जा रहा है, तो इसको खींच के ऐसा कट कर देना, या फिर आप जैसे भी कट करना चाहो कट कर सकते हो। ये हो गया अपना टाइम रिमैपिंग कंप्लीट हो गया अपना, कंट्रोल S दबा देना, तो ठीक है ये दबा दिया। अब क्या करना है, अभी इसके ऊपर हम लोग शेक्स बिठाने वाले हैं, ठीक है, इसके एकदम मिडल में आ जाना है, और यहाँ पर हम लोगों को जैसे आप प्रोजेक्ट पे जाओगे, यहाँ पर देखो ये वाला जो न्यू आइटम पे क्लिक करना है, और यहाँ से ले लेना है एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर जैसा भी सेटिंग आएगा आपका जो सीक्वेंस के हिसाब से उस वही आएगा, तो यहाँ पर ओके कर देना, और नहीं आ रहा है तो ये सेटिंग देख लो, 90:20x1080 और 60 FPS, और ये हमेशा स्क्वायर पिक्सल रहना चाहिए, और ओके कर देना, एडजस्टमेंट लेयर आपका बन जाएगा। तो इसको खींच के लाना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है 3 की फ्रेम लेना है आगे, 3 की फ्रेम पीछे, तो टोटल 6 फ्रेम्स होने चाहिए। तो आप लोग लेफ्ट राइट एरो की से इसको कर सकते हो, तो एक बार राइट एरो की दबाऊंगा तो 1 फ्रेम आगे जाएगा ना, तो ऐसे हम लोगों को 6 बार दबाना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 फ्रेम हो गया, कट कर देना है।
और बाकी का पार्ट इसका डिलीट कर देना आगे का। तो ये 6 की फ्रेम हो गया। अभी इसको खींच के आप लोग डुप्लीकेट करना है। वो कैसे करना है, अल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक करके ऊपर ड्रैग करना है, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और ठीक है, अब इसके बीच में आपको एक मार्कर लगा देना, वो दबाओगे M तो ऐसा मार्कर लग जाएगा। ये देखो यहाँ पर लग चुका है, देखो। ठीक है, तो अभी आपको इफेक्ट्स में जाना है, यहाँ पर आपको शेक सर्च करना है। ये आ गया आपका शेक। तो इसके लिए आपको सफायर का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो आप लोग देख लेना आपको कैसे इंस्टॉल करना है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। तो ये एस शेक है अपना, तो इसको उठा के नीचे वाली लेयर पे डाल देना ऐसे। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर देख लो आपको सेटिंग्स क्या रखना है। ये एम्पलीट्यूड है, इसको 0.8 कर देना है। ठीक है, और यहाँ से मोशन ब्लर ऑन कर देना है। बहुत ईजी है गाइस, कुछ नहीं है ज़्यादा। और ये मोशन ब्लर लेंथ है जो इसको रख देना है 3। तो अभी अपने को जाना है ये एक्स शेक, वाई शेक और जेड शेक। ठीक है, ये 3 पर आपको काम करने का। ये तो जैसे मैंने बताया ये इतना ही रहने देना। ठीक है, और एक्स शेक में जाना है, यहाँ पर आपको इसको कर देना है 120। ठीक है, वाई में जाना है, वाई रैंडम एम्पलीट्यूड इसको भी कर देना 120। ठीक है, तो अभी देखो ये कैसा हो गया, ये अपना शेक इफेक्ट आ गया। तो हल्का सा जूम चाहिए आपको, तो आपको जेड पे जाकर इसको आपको कर देना है 100 या 120। तो ये आपका थोड़ा सा हल्का सा एक जूम टाइप का इफेक्ट आ जाएगा। वो नहीं चाहिए तो आप इसको जो है 0 भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एस शेक तो यहाँ पर लग गया। अभी इसके ऊपर जो लेयर है इस पर हम लोग डालेंगे मास्क करके एक हल्का सा वाइट कलर का वीनेट डालेंगे। ठीक है, तो अभी क्या कर लेना है, यहाँ पर आपको जाना है और ब्राइटनेस सर्च करना है, BRIGHT ब्राइटनेस। तो ये आ जाएगा ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, तो ब्राइटनेस यहाँ पर देखो अभी कैसे कितनी सेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 40, ब्राइटनेस सेट कर दिया। अब यहाँ पर जाना है, यहाँ पर देखो सर्कल दिख रहा है, एक स्क्वायर दिख रहा है और एक पेन टूल दिख रहा है। तो सर्कल पे जाना है, क्रिएट एलिप्स मास्क। ओके, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो इसको थोड़ा सा खींच के आपको बड़ा कर देना है, इतना बड़ा। ठीक है, और इसका मास्क फेदर कर देना है 100, और इसको कर देना है इन्वर्टेड। तो ये इन्वर्टेड हो गया। तो ये आपको अगर ज़्यादा और करना है तो आप खींच के इसको और ज़्यादा इतना तक कर सकते हो। ठीक है, तो ये 100 अगर आपको कम लग रहा है फेदर, तो आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हो। तो यहाँ पर 300 कर देता हूँ। ठीक है, ये इतना हो गया। तो ये अपना AR शेक बन गया। ठीक है, अभी इसको सिर्फ क्या करना है अपने को, अभी जहाँ जहाँ पर हमारी बीट है, ठीक है, जहाँ जहाँ पर बीट है वहाँ पर इसको डाल देना है। तो इसको ऐसे पूरा सिलेक्ट कर लेना है और अल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक से इसको ड्रैग कर देना है। तो ये डुप्लीकेट होके ड्रैग होगा और ऐसे बस जहाँ जहाँ पर है अपना बीट वहाँ पर इसको डाल देना। ठीक है, ऐसे अल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक करके आप इसको ऐसे सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, तो ये जितने भी बीट थी मैंने सब उस पर ये लगा दिया। अभी हमारा जो ये ऑम का बीट है, तो यहाँ पर जाना है हम लोगों को, जो ये एडजस्टमेंट ले रहे खींच के इस पर लेकर आना है। ठीक है, और यहाँ पर अभी हम लोगों को चाहिए 10 फ्रेम्स, 5 फ्रेम्स आगे 5 फ्रेम्स पीछे। तो ये कैसे होगा, लेफ्ट की से 1 2 3 4 5 लेना है और पीछे का पार्ट जो है वो डिलीट कर देना। ओके, फिर वापस आना है 1 2 3 4 5, ये हो गए 5 फ्रेम्स लेफ्ट साइड के। अब 5 फ्रेम्स और राइट साइड में जाना है 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ से इसको कट कर देना है और आगे का पार्ट डिलीट कर देना है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर जाना है इसके ऊपर, यहाँ पर हम लोग को डालना है ट्रांसफॉर्म TRA। यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म सर्च करोगे तो ये आ जाएगा ट्रांसफॉर्म आपका। तो इसको इसके ऊपर डाल देना है। अभी यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, स्केल पर आपको की फ्रेम्स लगानी है। ठीक है, इसको यूनिफॉर्म स्केल ऑन रख देना। ठीक है, अभी बीच में जाके एक की फ्रेम लगाना है, एंड में एक की फ्रेम लगाना है और वापस से दूसरे साइड एंड में एक की फ्रेम लगाना है, और मिडल वाले में है
तो इसको कर देना 150, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा जूम हो गया, और यहाँ पर जाना है, देखो ये वाली की फ्रेम पे जाना है, इस पर राइट क्लिक करना है, ईज इन कर देना है, और एंड वाली की फ्रेम पे जाना है, राइट क्लिक करना है, ईज इन कर देना है, ठीक है। अभी ये जो फर्स्ट की फ्रेम है यहाँ पर जाना है, इसको खींच के ऐसा कर देना है, और ये जो है लास्ट वाला, इसको भी खींच के ऐसा सेट कर देना। तो ये हो गया अपना, और अभी जाना है नीचे, यहाँ पे यूज कंपोजिशन शटर होगा, ये देखो इसको अनटिक कर देना। शटर एंगल जो है आपको 180 कर देना, ठीक है। तो इससे एक हल्का सा मोशन ब्लर टाइप का इफेक्ट आ जाएगा, देखो। अभी इसके ऊपर आप लोग वो जो है जैसा हम लोगों ने AR शेक में ब्राइटनेस लगाया था, वैसे भी आप लोग इसके ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये अपना हो गया, अभी रेडी। तो क्या करना है, सिलेक्ट करना है सब क्लिप को, और जितने भी अपनी नीचे वाली मेन लेयर है क्लिप्स की, जो वीडियो लेयर है, उसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक दबाना है, टाइम इंटरपोलेशन में जाना है, और ऑप्टिकल फ्लो एनेबल कर देना है। तो ये हमेशा आपको एंड में करना है, और ये करना ही आपको, वरना आपका स्मूथ नहीं होगा वीडियो, ठीक है। तो बन गया अपना वीडियो, बस इतना ही था। AR यहाँ पर हम लोगों ने AR शेक भी कर लिया, और रिवर्स टाइम रिमैप भी कर लिया, टाइम रिमैप भी कर लिया, और स्नाइपर शेक भी कर लिया। तो ये था मेरा जो भी है, मैं करता हूँ शेक्स, बहुत ईजी है गाइस। आप लोग 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं आगे आफ्टर इफेक्ट की CC ट्यूटोरियल्स भी लेकर आने वाला हूँ गाइस। तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, इसी तरह की ट्यूटोरियल्स वीडियो देखने के लिए। चलो गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।